सो हेलो गाइस, फिर से दीप। आज हम करने वाले वीवो V20 SE की फुल रिव्यू। आज मैं इसका फुल रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत दिन पहले डाल के रखा है, यानी कुछ देर पहले मैंने डाला था इसका अनबॉक्सिंग वीडियो। इसका कैमरा रिव्यू वीडियो भी आएगा, पीछे देख सकते हो आप लोग, तीन कैमरा देख सकते हो पीछे इस साइड में। इसका तीन कैमरा है, इन तीनों कैमरा का मैं रिव्यू भी करूंगा, वो वीडियो भी आएगा चैनल पे। मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग। आज मैं इसका फुल रिव्यू करने वाला हूँ, कैसा स्मार्टफोन फोल्ड हुआ सबको बता दूंगा, इसका सब कुछ मतलब सेटिंग ओपन करूंगा, कुछ और भी कुछ काम करके दिखा दूंगा आपको स्मार्टफोन के अंदर, जिससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा वीवो V20 SE के बारे में। एंड इसका बैक साइड में मैंने ब्लैक कलर का लिया है, एंड इसका जो पीछे का साइड है, मैंने जो फिंगरप्रिंट बहुत आता है पीछे का साइड में, ग्लास टाइप का फिंगर देखने के लिए मिलता है आपको बैक साइड में। और मोबाइल बहुत ही स्लिम है, बहुत ही स्लिम, पतला सा स्मार्टफोन है बहुत ही। आप लोग देख सकते हो कितना स्लिम है, मैं कैमरा में दिख रहा हूँ, देख सकते हो बहुत ही स्लिम है। हाथ में लाइट वेट हो रहा है, हाथ में फील्ड भी आता है बहुत। तो गाइस ओवरऑल स्मार्टफोन बहुत ही तगड़ा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस रिव्यू वीडियो। तो हियर इज अ स्मार्टफोन ऑफ वीवो V20 जिसको मैंने रख दिया अब टेबल के ऊपर। तो इसका मैं आज करने वाला फुल रिव्यू। तो चलो मैं सेटअप वगैरह सब कुछ आपके सामने करूंगा। तो सेटअप को मैं कर मतलब पहले तो ऑन करती हूँ इसको। तो गाइस देख रहे हो मैं इसको ऑन कर दिया, वाइब्रेट हुआ हमारे हाथों में, तो हो रहा है ये वाला ऑन। तो लेट्स सी कब तक ऑन होता है। ऑन होने के बाद मैं इसका फुल सेटअप भी करूंगा आप सभी के सामने, तब आपको एक तगड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे इस वीवो V20 SE को सेटअप करना होता है। तो चलो इसको ऑन होने दो। तो गाइस देख सकते हो हेलो बोल रहे हम सबको, ऑन हो गया स्मार्टफोन। तो स्टार्ट में क्लिक करते, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, एग्री। वाईफाई हमारे घर में वाईफाई नहीं कनेक्ट करूंगा हम लोग, तो कंटिन्यू में क्लिक करते, नेक्स्ट, मोर, एक्सेप्ट, फिंगरप्रिंट, स्क्रीन लॉक, फेस पासवर्ड, हम लोग कोई भी अब लॉक पासवर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे, बाद में लगाऊंगा, तो स्किप, नेक्स्ट, स्किप, स्किप। तो देख सकते हो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। तो यूज नाउ में हम क्लिक करते हैं अब। तो देख सकते हो इतना तगड़ा वॉलपेपर के साथ ऑन हो गया हमारा वीवो V20 SE। तो चलो अब मैं इसका कुछ काम वगैरह करूंगा स्मार्टफोन में, जो आपको देखने के लिए मिलेगा इसी वीडियो में। तो पहले तो मैं इसका वॉलपेपर चेंज करता हूँ। तो नीचे का साइड में आपको ऐसा अगर ऐसा स्वाइप अप करोगे तो नीचे का साइड में आपको ऑल ऐप्स मिलता है, जो कि एक नया फीचर्स लगा मेरे को, पहले नहीं था अभी आया है। तो मैं स्क्रीन में मैं वॉलपेपर लगाऊंगा, मतलब वॉलपेपर को चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला अच्छा है शायद, इसको मैं लगा देता हूँ। देख सकते हो वॉलपेपर वगैरह मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा दूसरा वॉलपेपर लगा दिया मैंने। सो गाइस चलो अब मैं इसका सेटिंग को ऑन करता हूँ। सेटिंग को ऑन करने के बाद मैं इसका सेटिंग में जाके कुछ फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। तो इधर देख सकते हो नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन है, ब्लूटूथ डिवाइस में आप लोग स्मार्ट मिररिंग की ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो स्मार्ट मिररिंग को। अगर आपके घर में कोई स्मार्ट टीवी है उससे आप लोग इस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, और फ़ोन को आप लोग रिमोट के तरह यूज़ कर सकते हो। तो इधर और भी कुछ ऑप्शन मेंशन देखने के लिए मिलता है। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, वाईफाई ऑन करके आप लोग सिस्टम अपडेट कर लेना तो आपका मोबाइल एकदम दौड़ेगा। उसका बैटरी अभी 29% है, ज़्यादा बैटरी नहीं है। तो इधर सिक्योरिटी में अगर आप जाओगे तो आपको पासवर्ड मिलता है, फिंगरप्रिंट मिलता है, फेस लॉक मिलता है, तो इन तीनों टाइप का लॉक आपको मिलता है। उसके बाद स्वाइप लॉक भी मिलता है, फिंगरप्रिंट भी मिलता है, पैटर्न भी मिलता है। तो यही कुछ नॉर्मल लॉक्स है जो सब स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिलता है। इधर आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड मिलता है, जो आपको ऑन कर सकते हो वीडियो, मतलब जो गेम खेलते हो उस टाइम आप लोग इसको ऑन कर सकते हो, मोबाइल के लिए भला ही होगा। तो अबाउट फोन में अगर मैं जाऊँ तो इधर दो सिम स्लॉट आप लोग देखने के लिए मिलता है, दो सिम लगा सकते हो आप लोग। रैम है 8 GB, प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 के ऑक्टा कोर के प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद इसका अगर रोम वर्जन की बात करो तो फन टच ओएस रोम वर्जन है इसका, और ओवरऑल तो बस ऐसा ही है। एंड्रॉयड वर्जन 10 बहुत जल्द अपडेट आएगा, तो उधर तब एंड्रॉयड वर्जन 11 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस अगर मैं इसका बताऊँ तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको डिस्प्ले वगैरह जब टेस्ट कर रहा था तो बहुत ही अच्छा है। एंड कैमरा को थोड़ा ऑन करके देखते हैं। तो सो गाइस देख सकते हो कैमरा में आपको बहुत कुछ फीचर्स मिलता है, लाइक मोड में कुछ ढेर सारा फीचर्स मिलता है,
वीडियो में भी फीचर्स मिलते हैं लाइक 4K वीडियो वगैरह सपोर्ट होगा आपका इस स्मार्टफोन में। फोटोज में भी बहुत कुछ है। तो ओवरऑल कैमरा भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मतलब स्मार्टफोन का क्या ही बोलूँ, सब कुछ अच्छा लगा मेरे को। एंड वीवो का स्मार्टफोन वैसे भी अच्छा ही होता है, तो मैं भी वीवो यूज़ करता हूँ, वीवो V20 AC ये वाला है। तो मैंने वीवो V20 का अनबॉक्सिंग करके रखा, AC का भी किया है। तो इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप लोग जाकर जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के पुराना वीडियोज़ को। तो बस ऐसा ही है आज का वीडियो, मुलाकात होगी कल के नए एपिसोड में। आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।